नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। भारतीय वायु सेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं वायु सेना के बारे में। भारतीय वायु सेना भारत के सेना की हवाई शाखा है। सैनिकों और एयरक्राफ्ट के मामले में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है। इसका प्रमुख काम भारतीय हवाई सीमा को सुरक्षित रखना और युद्ध के समय हवाई हमले करना है। इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। आजादी के बाद 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसके नाम के आगे से रॉयल शब्द हटा दिया गया और केवल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जबकि 4-स्टार रैंक एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना की सभी कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत की आजादी से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना 4 युद्ध लड़ चुकी है, जिसमें 3 पाकिस्तान और 1 चीन के साथ लड़ा गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर प्लेन है, जबकि हेलीकॉप्टर श्रेणी में MI-25/35, MI-26, MI-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130, J, C-17, ग्लोमास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जैश-ए- मोहम्मद आतंकी संगठन ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला किया। CRPF के 46 जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, चकोठी, मुजफ्फराबाद में 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन से हमले कर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News।